अस्सलाम वालेकुम। मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख दर्द और तकलीफ़ें, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम दुनिया में इतने मगन हो जाते हो, फिर अल्लाह तुम्हें आजमाइश देकर याद दिलाता है, ए बंदे तू मुझे भूल बैठा है। ये आजमाइशें तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए होती हैं। तुम क्यों फिर मायूस बैठे हो? आज जब हमें चोट लग जाए या कुछ हो जाए, हमारी माँ तड़प उठती है। अरे वो तो फिर 70 माँओं से बढ़कर चाहने वाला है, वो भला कैसे तुम्हें कोई तकलीफ़ दे सकता है? आज जो तुम्हें तकलीफ़ लग रही है, जानते हो वो रब तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए इस रास्ते से गुजार रहा है, क्योंकि तुमने जो रास्ता चुना है अपने लिए, वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं, लेकिन मेरा रब बेहतरीन रास्ते से गुजार कर तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। जब मंजिल तुम्हारी मनचाही होगी, फिर रास्तों से क्या घबराना। जब अल्लाह पर यकीन होगा, मंजिल तुम्हारी ही पसंद की होगी, रास्तों के कांटे चुभेंगे नहीं। मैंने शामिल कर रखा है कुछ चीज़ों को उन लम्हों में, वो जो लम्हा सजदा होता है, जो लम्हा मुलाकात होता है, जहाँ सिर्फ मैं होती हूँ, जहाँ सिर्फ वो होता है, जहाँ कोई तीसरा नहीं होता, जहाँ कोई पर्दा नहीं होता, जहाँ बे आवाज़ गुफ्तगू होती है, जहाँ कोई वजाहत नहीं होती, जहाँ सिर्फ सुना जाता है, जहाँ सिर्फ समझा जाता है, जहाँ कोई सवाल नहीं होता, जहाँ बस थामा जाता है, मसलसल संभाला जाता है। वहाँ से मदद नहीं आई जहाँ से तुमने सोचा था, अब वहाँ से आएगी जहाँ से कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तुम्हारा अल्लाह वो है जिसने सिर्फ चंद दिनों में ये ज़मीन, आसमान, उनके बीच ये अनगिनत नेमतें सजा दी। उसके लिए भला तुम्हारा लम्हा भर का काम करना क्या मुश्किल। इंसानों को इज्जत देते रहे, उनको तुम्हारे रब ने बनाया है बड़े प्यार से। इंसानों को तुम्हारी ज़बान या हकात से कोई तकलीफ नहीं पहुँचनी चाहिए, चाहे इंसान अपने शैतानों की बातों में आकर तुमको ऐसा पहुँचाए, मगर तुमने हदें नहीं पार करनी। तुम रात को जो खामोशी में दुआएं मांगते हो ना, जो दुआएं तुम ज़बान पर लाने से हिचकिचाते हो, जानते हो अल्लाह उन सब दुआओं को तुम्हारे दिल के ज़्यादा जान गया है। तुम्हें क्या लगता है वो दुआएं नहीं सुनता? तुम्हें क्या लगता है? अरे उसके पास